हमारा नाम हिमांतर यादव सर। हमारे गांव के में आबादी की जमीन में तहसीलदार साहब पर जांच करने गए थे। हमने उच्च अधिकारियों से कमिश्नर साहब, डीएम साहब, एसडीएम साहब, कल परसों एसडीएम साहब से मिले थे कि कल मिले थे कि उन्होंने कहा कि हम तहसीलदार साहब, नायब साहब को भेज रहे हैं। 3:30 नायब तहसीलदार मौके पर पहुँचे तो मौके पर हम भी थे। तहसीलदार साहब ने यही से कह दिया कि ठीक है, जमीन पर काम नुमा होगा ही, और पूरी सच्चाई जाने हमने कहा कि साहब 513 देख लिए प्रधान के जो कब्जे में है। इसी बात पर प्रधान के परिवार के लोगों को नारवार लग गई और तहसीलदार साहब के सामने ही उसको गाली दिए। उसके बाद तहसीलदार साहब कहे कि हम सबको जेल भेजेंगे। इतने में हम लोग चले आए अपने घर। आज सुबह 5 सर में दुकान पर जा रहा था कुछ सामान लेने, तब तक प्रधान का सगा भाई अमरनाथ और उनके चाचे का लड़का मुनीलाल कट्टा लेकर हमको दौड़ा दिए। साइकिल से गया था, साइकिल भी हमारी छीन लिए, 500 रुपया छीन लिए, बीच से मारे दौड़ा दौड़ा कर। हम किसी तरह से साहब जान बचा कर घर में, और आज हमारी तारीख थी। तारीख देखने के बाद में हमें हमारा भी मिला है और से ही बात बता रहा हूँ सर। कहाँ कहाँ चोट लगी है? चोट सर मेरे पैर में लग गई है, एक कंधे पर मार रहे थे आगे से, सीने पर न लग के बगल के कंधे पर लग गई है, कांख के नीचे यही लगी है सर। पुलिस ने मुलाहिजा करवाया आपका? नहीं सर, थाने गए, थाने वाले तो हम तुरंत ये इसकी शिकायत कहाँ की आपने? जी आर एस से किए हैं सर, महाराज।